जीवन के परम उद्देश्य को भी प्राप्त करना है। मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वह है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक है सत्संग। सत्संग के साथ आवश्यक है सही गुरु का वरण और इसके साथ उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में साफ साफ कहा है कि धर्म राज्य में प्रवेश करने का उसी को अधिकार है जो पहले स्वयं अपनी कमजोरी से लड़ ले, यानी जो सशक्त व्यक्ति है वही धर्म राज्य धर्म में प्रवेश कर सकता है। जैसे हम लोगों के यहां जो धर्म की परिभाषा हमारे वांग्मय में दी गई है, धार्यते इति धर्म, और यही एग्जैक्टली परिभाषा ठाकुर जी ने भी दिया है कि एनात्मन अस्तथानेन्या जीवनम वर्धनं चाप स्थितते च सधर्म। यही हुआ धर्म की डिफिनीशन, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है। धर्म बीइंग को अपहोल्ड धारण करना, बिकमिंग वर्धना की ओर जो ले जाता है, स्पष्ट शब्दों में जो आपको धारण करे, जो आपको बचाए बढ़ाए, वही धर्म। अब इस प्रकार अब जहां तक यह बात है कि धर्म की परिभाषा काल और समय के सापेक्ष और जो भी द्वापर त्रेता सतयुग में जो लोग आए हैं उन लोगों ने उस समय के अनुसार धर्म की परिभाषा दिया है और धर्म शाश्वत है, इसलिए धर्म की परिभाषा पुरुषोत्तम अनादि है। जो हम लोग आते हैं तो पूर्व का परिवर्ती जो होता है पूर्व के आधार पर ही परिवर्तित होता है। इस समय ठाकुर जी ने जो इस समय इस लोक में जन्म लेकर के हम लोगों को जो मार्ग बताया है, माइक को क्लिक करो, यजन याजन स्मृति। अच्छा उसमें कोई है नेट तुमको जो यजन याजन स्मृति के बगल में करले काटे महावृत्ति। तो हमारे यहाँ यजन है, याजन है, इष्टवृत्ति है, सत्यनी है और सदाचार। अच्छा ऊपर में देखो सेटिंग वाला एक आ रहा है हमारे, उसमें क्लिक करो, उसमें साउंड ऑन करो, बताएं देखो टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑडियो लिखा होगा, उसको ऑन करना होगा। संध्या स्नानम तपश्चैव देवतानां च पूजनम। तो मनुष्य की स्थान, संध्या, जप, पूजन, ये छह कर्म बताए गए और मनुष्य को जो अनुदान मिले हैं, विभूतियां मिली हैं मनुष्य, ईश्वर ने हमको पांच विभूति दिया है, धर्म, कला, राजसत्ता और प्रतिभा। हमको जो मिला हुआ है, ठाकुर जी ने कहना है कि जो मिला हुआ है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए। उसका श्रेष्ठतम उपयोग कब करेंगे? जब आपको सतगुरु मिलेगा। ठाकुर जी जिस किसी को भी जिसने भी दीक्षा ले लिया है वह तो निष्कंठ हो गया है, केवल ठाकुर जी की चरणों में प्रीति बनाए रहे, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, उसको कुछ भी नहीं कहना। ठाकुर जी स्वयं उसकी रक्षा सुरक्षा सबके लिए स्वयं देखते हैं। हम लोग कई कहानियों पढ़े हैं, पता चला कोई खेत, किसी का एक ही बीघा खेत है, वह रोज देखने जा रहा है, आज वह बीमार हो गया और ठाकुर जी से कह रहा है हमारा खेत आज जानवर खा जाएंगे। उस समय ठाकुर जी लाठी लेकर के खेत रखा रहे हैं। ऐसा कहां मिलेगा परम पुरुष, ऐसा पुरुषोत्तम कहां मिलेगा, ऐसा दयालु कहां मिलेगा, ऐसा दया का सागर कहां मिलेगा? जो आपकी इच्छा के अनुसार आपके समस्त कर्मों को पूरा करने के लिए तैयार है, शर्त केवल इतना है कि आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलिए और उसके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी ने यह कहा है कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, पाप की ज्वलंती है, प्रतिमूर्त है दुर्बलता,
भगाओ भगाओ जितना शीघ्र हो। इसका मतलब पहले जो व्यक्ति दुर्बल है उसे धर्म से धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। सबसे पहले आपको सशक्त बनना पड़ेगा। और सशक्त कैसे बनेंगे? आपका एक जीवन आधार होगा, आप एक जीवन आधार से जुड़ेंगे, आप रोशनी से जुड़ेंगे। बीच में ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उस रोशनी से जुड़ेंगे तभी आपके यहां आपके अंदर से दुर्बलता समाप्त हो जाएगी। और दुर्बलता समाप्त हो गई तब धर्मराज्य में आप प्रवेश करेंगे। और धर्मराज्य में प्रवेश करने के लिए आपको तब वह अधिकार मिलेंगे, तब परम पुरुष आपकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। जब तक बच्चा स्कूल में नाम नहीं लिखा लेता है तब तक उसको टीचर पढ़ाता नहीं है। स्वाध्याय अलग है और एक नाम लेकर के परीक्षा लेकर के, एक परीक्षा देना, एक संस्था में भाग लेकर के देना, उसके लिए अलग होता है। तो हमको आवश्यक है सबसे पहले जब धर्मराज में हम प्रवेश कर गए तो सबसे पहला काम है हमको सद्गुरु का वरण करना और सद्दीक्षा लेना। और उस सद्गुरु और सद्दीक्षा लेने के बाद उसी अनुसार अपने कर्मों में आगे बढ़ना बताए हुए रास्ते के। और इस पुरुषोत्तम का, परम पुरुष का आगमन, ये धरती की सबसे बड़ी घटना है। ठाकुर जी का जब, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो रोशनी आ गई थी। जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन की पूजा होती थी, कृष्ण भगवान ने कहा गोवर्धन की क्यों पूजा होती, वो जा करके लड्डू खा लिए। कृष्ण भगवान के साथ भी ऐसी ही कहानी है। एक गुरु भाई थे, वो पूजा करते थे, पता चला ठाकुर जी वहां पूजा के स्थान पर बैठे हुए हैं जब बाल रूप में थे तभी। और हमको हमारे आंख पर जो आवरण पड़ा रहता है तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आता। जब हम सत्संग करते हैं, सद्दीक्षा ले लेते हैं तो आवरण धीरे धीरे धुंधला होता जाता है और समाप्त हो जाता है। और सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। एक छोटी सी सातवती की कहानी बताऊं कि एक ननीदा की पत्नी थी, उनको टाइफाइड हो गया था। एक बादलदा की बेटी थी, उनको टाइफाइड हो गया। ठाकुर जी ने किसी से कहा कि दो तीन खुराक दवा दे दो। अब ननीदा की पत्नी को हो गया था, उसने उन्होंने तीनों खुराक कायदे से दिया। और बादलदा की जो बेटी को हुआ था, उन्होंने एक खुराक दिया और वो डॉक्टर थे, वो सोचे करे इसमें पुड़िया से क्या होगा, और उन्होंने नहीं दिया एक खुराक के बाद। तो क्या परिणाम हुआ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा है विश्वास करिए, विश्वस्त होइए। हम विश्वास करने के बाद ही विश्वस्त हो सकते हैं। और जब हम परम पिता से मिल गए हैं, परम प्रेम से मिल गए हैं, हमको वह प्रकाश मिल गया है, तो हम अविश्वास क्यों करें इसका कोई अर्थ नहीं होता। और हम जब विश्वास करके ठाकुर जी के कदमों में आगे बढ़ेंगे और ठाकुर जी द्वारा दिए गए जीवन दर्शन का अभ्यास करेंगे, तब जैसे किसी में लीजिए, तब ब्रह्म शक्ति का जागरण होता है। और ब्रह्म शक्ति का जागरण किससे होता है? ठाकुर की प्रीति और प्रेम से होता है, परम पिता के चरणों में पूर्ण समर्पण से होता है। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म शक्ति का जागरण नहीं होगा। हमने दीक्षा ले लिया, ठाकुर जी पे कोई प्रीति नहीं, उनके बताए हुए रास्ते चल नहीं रहे हैं, ना हमारे खान पान का कोई ठीक से है, कुछ है, तब भी हम सोचे कुछ हो जाएगा, नहीं। लेकिन बहुत गुरु भाई या गुरु माता कहती है, हम नाम जब करने बैठते हैं तो हमारा मन कहीं जाता है। बिल्कुल मन जाएगा, इतना दिनों से जो मन का मैल है एक दिन में थोड़ो ना कट जाएगा। जो मन का मैल है उसको धीरे धीरे, और परम पिता से जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपके मैल को काट करके आपको कंचन बना देगा वो। और इसके बाद पूरा आपको कंचन बनाने के साथ साथ दुनिया की जो भी चीजें हैं सर्व सुलभ कराने के बाद, जो आपकी इच्छा होगी
हमें जैसे हमारी जैसे एक बच्चे की इच्छा हो गई कि बंदूक मिल जाए, ये इच्छा नहीं हुई, यह दुष्इच्छा है। सद इच्छा, समस्त सद इच्छा की पूर्ति जिस दिन से आप दीक्षा लिए, ठाकुर इसका गारंटी दे देते हैं, परमपिता परमेश्वर इसकी गारंटी देते हैं। दादा समय, समय को साथ देख लीजिए, चलिए समय तो देख लें, 10 मिनट हो गए। जी जी, इसी तरह ठाकुर जी, ठाकुर जी ने स्वसैनी में कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास दुर्बलता आए तो वह दुर्बलता का वरण न करने के बजाय किसी सद चीज को वरण करे, सद इच्छा, सद विचार, सद पुस्तकें अच्छी पढ़े, तो स्वयं वह बुराई उसके पास से निकलती जाएगी। तो ठाकुर जी, दादाजी बहुत बड़ा है, यहीं पर मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और समस्त गुरु भाई लोगों को जय गुरु बोलते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। धन्यवाद ब्रिजेश दा, बहुत सुंदर आपने कम समय में ठाकुर जी का धर्म के ऊपर आपने आलोचना किया। और मैं अभी आपका ये जो कम समय में आपने ठाकुर जी का बहुत सुंदर आपने उपस्थापना किया, आपका सार्विक मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर के रात्रि चरण में आपका दीर्घायु स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ब्रिजेश दा। मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा, समय बहुत कम है, श्री स्वर श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है, आप 5 से 7 मिनट में श्री ठाकुर जी का ऊपर में ये जो धर्म का जो आज का जो विषय वस्तु है उसके ऊपर आलोचना कर लीजिए। श्री स्वर श्रीवास्तव दा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? श्री स्वर श्रीवास्तव दा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? वो अवेलेबल है, मैं देख रहा हूँ माइक म्यूट हो रखा है। स्वर आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है। अभी क्लियर हुआ दादा उनका? नहीं नहीं, वो क्लियर नहीं हो रहा है। लेट वेट फॉर अनदर वन मिनट।